नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बढ़िया से होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया था जेके पी कांस्टेबल एमसीक्यू सीरीज़, उसका आज हम वीडियो नंबर 6 करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर जो हैं कर लिए हैं, जिसे नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के ऊपर एमसीक्यूज़। अभी तक हमने 75 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, अभी हम 76 एमसीक्यूज़ से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटन बाय। तो दोस्तों, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, उसको किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो इसका दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी इनका नाम है, ठीक है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए, जो वंदे मातरम है एक किस बुक का पार्ट है? तो ये है अनंत मत का, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शन ए है अनंत मत बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है इंडिया विंस फ्रीडम सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी है अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है वो भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है इंडिया विंस फ्रीडम सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। इसको जो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो लिखी गई है मौलाना आज़ाद के द्वारा, ठीक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। तो दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कब उसको अडॉप्ट किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ये सबको आता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ। तो दोस्तों, जो हम टीचर डे मनाते हैं वो किनके बर्थडे के ऊपर हम उसको मनाते हैं दोस्तों? तो उस दिन जो है बर्थडे होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 81 है, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम नाम का जो न्यूज़पेपर था उसको किनके द्वारा स्टार्टेड किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र पाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेनाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट। वेनाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन, ठीक है? तो कब लाया गया था दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है। तो उसको लाया था वेनाकुलर प्रेस, आया था हमारा 1878, ठीक है? 1878 डेट है जब पास हुआ था वेनाकुलर एक्ट, ठीक है दोस्तों? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर, टिल डेट हु इज द ओनली इंडियन टू हैव बिन अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, ठीक है? लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज जो मिला था ओनली इंडियन कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनको लिटरेचर पे नोबल प्राइज मिला था। इसके बाद अभी कोई भी भारतीय जो नहीं है जिसको लिटरेचर पे नोबल प्राइज मिला हो दोस्तों, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वेन इंडिया गॉट
इंडिपेंडेंस। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एटली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 85 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर द कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ नाम का जो न्यूज़पेपर था इसको किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब। तो टैगोर ऑफ पंजाब दोस्तों किसको बोला जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूरन सिंह। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर। हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ये वाला जो सॉन्ग था दोस्तों किनके द्वारा गाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। हु एस्टेब्लिश शांति निकेतन। जो शांति निकेतन है कहाँ पे है दोस्तों? ये है कोलकाता में। तो इसको किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं साथ ही आपको बता दूँ, शांति निकेतन जो है ये रिसेंटली ऐड हुआ है किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, और आप कमेंट करके मेरे को बताना कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इंडिया की। ठीक है, कौन से नंबर की है आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? ये लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। द सिविल सर्विस वॉज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस इन इंडिया वाई। तो सिविल सर्विस जो है इंडिया में अस्तित्व में आई थी, कब आई थी दोस्तों, किनके द्वारा इसको लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 91 है, ये आप कमेंट करके बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला। ठीक है, हिंदू मेला के जो फाउंडर थे वो कौन थे? क्या वो नाभा गोपाल मित्रा थे, क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, या अक्षय कुमार दत्त थे, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये हमारे 91 क्वेश्चन हो गए फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के, जेके बी कांस्टेबल एमसीक्यू सीरीज़ के। अब दोस्तों हम करेंगे जियोग्राफी के ऊपर एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।